सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लुसेंट वीडियो की जो प्लेलिस्ट है, जो भी हमने इस चैनल पे वीडियो बनाए थे, वो आप सभी को पसंद आए, वो धन्यवाद इसके लिए था। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे क्या बात करूंगा, वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो पर। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्लीज़, अगर आपने अब तक ये कोटेशन सामने जो लिखी है, अगर आपने अब तक वो नहीं पढ़ी है, तो मैं कहना चाहूंगा सबसे पहले आप उसको रीड करें और एक मिनट इसके बारे में थोड़ा सा विचार करें। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखिए, इससे पहले हमने काफी सारे पार्ट, पार्ट वन, पार्ट टू, थ्री, फोर और फाइव डिस्कस करा। और अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है या फिर आप इस वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो इस वीडियो के एंड में आप उस प्लेलिस्ट को आप देखना, ऑडियो को। काफी अच्छी प्लेलिस्ट है वो, काफ़ी अच्छा कवरेज आपको देने का पूरा प्रयास करा है मैंने। आई होप आपको वो भी वीडियो पसंद आएगा और ये भी वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा। विदाउट एनी डिले मैं शुरू करता हूँ आज का अपना ये वीडियो। देखिए, इसमें हम बात करेंगे पुष्य भूति वंश या वर्धन वंश के बारे में। देखिए, गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ, मतलब उदय हुआ, उनमें मैत्रक, मोखरी, पुष्यभूति, परवर्ती, गुप्त और गुण प्रमुख है, ठीक है। और इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित करा। अगर बात करें, आपको एग्जाम में देखिए क्या होता है कि एग्जाम में आपको कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो भी हमको आज इस वीडियो में थोड़ा सा जज करना है कि किस तरह से वो क्वेश्चन हमारे सामने प्रेजेंट कर सकता है। देखिए, जो वंश थे, वंशों के ये सब नाम है, लेकिन उनमें से जो था आपका पुष्यभूति जो वंश था, इनके शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित करा। आपसे ये तो क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। अब हम थोड़ा सा आगे नेक्स्ट थोड़ा पॉइंट में बढ़ते हैं कि पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था। देखिए, पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था, आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चंस कई बार पूछता है, तो आप याद रखिएगा, पुष्यभूति वंश के संस्थापक थे पुष्यभूति, राइट। और इनकी जो राजधानी थी, इनकी कैपिटल थी, वो थी थानेश्वर। आप याद रखिएगा, ये इनकी कैपिटल क्या थी, इनकी कैपिटल थी थानेश्वर। और उसके बाद ये थानेश्वर कहाँ पड़ता है, क्या पड़ता है, इतना डिटेल में आपसे एग्जाम में, आपका एसएससी एग्जाम में नहीं पूछेगा। नहीं, अगर आप एसएससी, अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर आपसे केवल ये पूछ सकता है कि थानेश्वर किस स्टेट में है, तो ये है हरियाणा में। और वर्तमान थानेश्वर नामक एक स्थान है जो आज भी है करनाल जिले में। अगर आप जाएं करनाल जिले में, वहां पे आप पूछें थानेश्वर नामक स्थान कहाँ पर है, वहां आपको पता चल जाएगा कि थानेश्वर स्थान कहाँ पर है। शायद आप लोग अगर वहां से बिलोंग करते हैं तो आपने ये स्थान देखा भी होगा, ठीक है। अब फिर मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की ओर। आपको पता चला अब तक कि पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे, ये थे पुष्यभूति। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था, जिसने परम भट्टारक और महाराजाधिराज जैसी सम्मानजनक उपाधि धारण करी। आगे बात करते हैं कि प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोस्मती से दो पुत्र, मतलब उससे उत्पन्न हुए, एक था राज्यवर्धन और था एक हर्षवर्धन, ठीक है। और देखिए, इस वीडियो में मैं केवल वही पॉइंट आपको पास ज्यादा फोर्स करूंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बाकी के फैक्ट आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके खुद भी रीड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो आप इस वीडियो को अभी क्लोज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको रेगुलर, आपको चाहिए कि कंटिन्यू लाइन पे लाइन पढ़ा जाए आपके सामने, कंटिन्यू स्पीड से मैं लाइन पढ़ते जाऊं मशीन की तरह, तो उसके लिए ऑडियो प्लेलिस्ट आपके तैयार है इस चैनल पे। आप ऑडियो के माध्यम से भी स्टडी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, सब समाधान आपको इस एक चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आपको उस ऑडियो से भी दिक्कत है, आपको यहाँ भी दिक्कत है, तो आपको जहां से बेस्ट लग रहा है प्यारे बच्चों, आप पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। बस टारगेट ये है कि आपका इस साल सिलेक्शन होना चाहिए, और मेरी ओर से आप सभी को ऑल द बेस्ट। देखिए, आगे हम बात करते हैं। देखिए, दो पुत्र की प्राप्ति हुई, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। इसके बाद में क्या हो गया, राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, रीजन कुछ भी रहा होगा इसके पीछे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, आपसे एग्जाम में ये पूछता है, प्रीलिम्स एग्जाम में जो स्टेट पीसी रहेगी, देवगुप्त की हत्या किसने करी थी, तो वो करी थी आपकी राज्यवर्धन ने, परंतु देवगुप्त के मित्र गौण नरेश शशांक ने धोखा देकर राज्यवर्धन की भी क्या कर दी, हत्या कर दी। मतलब देवगुप्त को मारा था राज्यवर्धन ने, और राज्यवर्धन की भी इसी तरह से डेथ हुई या फिर हत्या हुई। आगे बात करते हैं कि शशांक शैव धर्म का अनुयायी था, इसने बुद्धि वृक्ष कटवा दिया था। देखिए, बुद्धि वृक्ष किसने कटवाया था, आपसे एग्जाम में ये पूछता है, तो आप याद रखिएगा,
बुद्धि वृक्ष को कटवाने वाला कौन था? शशांक, जो क्या था, शैव धर्म का अनुयायी था, और इसने क्या करा था, इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, जो कहाँ पर है, बोध गया में। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं कि राज्यवर्धन की मृत्यु 1606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। ये बैठा था 16 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, हर्ष को शीलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। किसको शीला आदित्य के नाम से जाना जाता है, तो आप याद रखिएगा, हर्ष। ठीक है, तो इसका एक निक नेम भी था, इसका एक अन्य नाम भी था हर्ष का, वो क्या था, वो था शीलादित्य। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण करी। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष और पुलकेशिन सेकंड के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। आगे बात करते हैं, देखिए किस किस के बीच में कौन सा युद्ध हुआ। हर्ष और पुलकेशिन सेकंड के बीच में एक वॉर हुआ, कौन सी नदी के किनारे हुआ, तो आप याद रखिएगा, नर्मदा नदी के किनारे, और जिसमें क्या हुआ था, जिसमें हर्ष की क्या हुई थी, हर्ष की पराजय हुई थी। तो ये पॉइंट काफी अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हर्ष ने किसके साथ नर्मदा नदी के तट पर युद्ध करा था। आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, इसका राइट आंसर क्या है, वो आपको आप सामने पता है। ठीक है, हर्ष और पुलकेशिन सेकंड के बीच में कौन सी नदी के तट के किनारे युद्ध हुआ था, सेकंड क्वेश्चन यहाँ से बन गया। इसका आंसर क्या है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। ठीक है, और हर्ष और पुलकेशिन सेकंड के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसमें किसकी पराजय हुई थी, ये भी मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये सब आप एक ही लाइन में पढ़ रहे हैं। अगर आपने अब तक नोट्स नहीं बनाए हैं किसी भी वीडियो के, 1 2 3 4 5, ये सभी आपने वीडियो देखी है बट नोट्स नहीं बना रहे हैं, तो आप रियल में बहुत गलत कर रहे हैं अपने साथ में। आप एग्जाम की तैयारी अच्छे से नहीं कर रहे हैं, मैं आपको ये चीज क्लियर बता रहा हूँ। अगर आप सोच रहे हैं कि बस वीडियो देख के आपकी तैयारी हो रही है, तो वो आपको वक्त बताएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे सही लगा वैसे करिए। देखिए, चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, और ये क्वेश्चंस कई बार एसएससी एग्जाम में पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जाएगा, और आपको इसका आंसर आता भी होगा अगर आपको तैयारी करते हुए 6 मंथ से ऊपर हो चुका है। तो अगर आपको 6 मंथ हो चुका है, तो आपने कॉमन सी बात है, काफी बेसिक चीजें पढ़ी होगी पहले से ही, और मॉक टेस्ट भी एक आध अपने सॉल्व करे होंगे, लगाए होंगे मॉक टेस्ट, तो वहां पे ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है कि हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो वो आया था आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में। आगे हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, कि वो है आपका नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और बोध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत कौन आया था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके सामने। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। देखिए, शाक्य मुनि किसको कहा जाता है, ये आपके एग्जाम में, प्रीलिम्स एग्जाम में यूपी में कई बार पूछा गया है। यूपी के एग्जाम का अगर आप उठा के देखें, प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, तो वहां पे तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका एसएससी सीजीएल में भी। ये क्वेश्चन आपका आया था 2009 में, 2011 में और 2007 में। ठीक है, तो आपको इसका नाम बड़े ध्यान से याद रखना है, नोट करना है, और अभी तुरंत इस वीडियो को पॉज करिए और इसके नाम को याद करिए। शाक्य मुनि याद रखना, शाक्य मुनि आप बिल्कुल याद रखेंगे, इसको आप स्किप नहीं करेंगे। राइट, आगे हम बढ़ते हैं। देखिए कि हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे। किसने कब चीन में अपने दूत भेजे, 641 ईस्वी में हर्ष ने भेजे, क्यों भेजे, क्या रीजन था, आगे हम बात करते हैं। देखो, 643 ईस्वी एवं 645 ईस्वी में दो चीनी दूत उसके दरबार में आए थे। ठीक है, किसने चीन में भेजे, क्या रीजन था, ये बैक में कुछ काफी स्टोरी है, तो इसकी अभी आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे जो पॉइंट है, देखिए अगला पॉइंट काफी अच्छा है, कि हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त करे थे। किसने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष काफी बलपूर्वक, फोर्स पूर्वक क्या करे, प्राप्त करे, वो था आपका हर्ष। कौन था, हर्ष। आगे बात करते हैं, देखिए हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री हेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महान शाखा का राजश्रय प्रदान किया तथा वह पूर्ण बोध बन गया। कौन बना, ये पूर्ण बोध बन गया, सारी बात चल रही है क्या, हिंसांग से मिलने के बाद में उसने बौद्ध धर्म के महान शाखा का राजश्रय किया, प्रदान करा, और बाद में वह क्या बन गया, पूर्ण बोध बन गया। ये सब बात कर रहे हैं हम लोग हर्ष के। ठीक है ना, हर्ष बाद में क्या बना, हर्ष बाद में एक बोध बन गया।
देखिए, हर्ष के समय में क्या हुआ, नालंदा महावीर महान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। किसके समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था, किसके शासनकाल में? याद रखिए, किसके शासनकाल में पूछेगा आपसे, वो नाम है हर्ष। आगे हम बात कर रहे हैं कि हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसको हम किस नाम से पुकारते हैं? इसको हम पुकारते हैं महामोक्ष परिषद। क्या? महामोक्ष परिषद। कितने वर्ष के बाद में हर्ष के द्वारा स्थापित करा गया या सेलिब्रेट करा जाता था, आयोजित करा जाता था, कुछ भी आपसे बोल सकते हैं तो आपको याद रखना है, हेनसांग स्वयं छठे समारोह में शामिल हुआ था। हेनसांग तो छठे समारोह में शामिल हुआ था। ये प्रत्येक 5वें वर्ष के बाद में एक क्या होता था, एक आयोजन होता था। इसका नाम क्या था? इसका नाम था महामोक्ष परिषद। तो आप ये अच्छे से याद रखेंगे ये नाम, और कितने वर्ष बाद होता था, ये होता था 5 वर्ष के बाद, और किसके शासनकाल में, उस समय कौन था शासक, उस समय था आपका हर्ष। राइट, आगे बढ़ते हैं बच्चों कि बाण भट्ट हर्ष के दरबार कवि थे। हर्ष के दरबार कवि कौन थे, उनका नाम क्या है? उनका नाम था बाण भट्ट। उन्होंने हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना करी। उन्होंने हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना करी। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये 3 नाटक लिखे थे। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, देखिए कि प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक थे, ग्रंथ थे। इनकी रचना किसने करी थी? ये रचना करी थी आपकी हर्ष ने। ठीक है, रचनाकार कौन था? हर्ष। आगे बात करते हैं, कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से 3 नाटक लिख दिए। ठीक है, बस आपसे ये पूछेगा कि इनकी रचना किसने करी थी, रचनाकार कौन थे, तो इन सब 3ों के संस्कृत के नाटक ये ग्रंथ थे, और इसकी रचना करी थी, वो करी थी हर्ष ने। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है हर्ष को। आगे बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ रहा हूँ आगे, कि हर्ष के मंत्रिपरिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहते हैं। देखिए, हर्ष के मंत्रिपरिषद के मंत्री को किस नाम से पुकारा जाता था, क्या किस नाम से उनको जाना जाता था? तो सचिव आपको ऑप्शंस में बहुत कम देगा, लेकिन अगर आपके एग्जाम की तैयारी काफी अच्छी है तो आपसे सचिव पूछेगा। एग्जाम की तैयारी अच्छी नहीं है तो ग्रह वैसे ही खराब हो जाते हैं, तो आपसे आमत्य पूछेगा। ग्रह भी ठीक करने वो आपके अपने हाथ में है, पूरी लाइन नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में और उसको याद करिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, देखिए कि हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया था। क्या? लोकपाल शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ पर हुई थी, किसके कौन उस टाइम पे शासक था जिसने पहली बार लोकपाल ये वर्ड को इस्तेमाल करा? तो ये हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए एक लोकपाल शब्द का निर्माण हुआ, लोकपाल बनाया जाता था। और देखिए, भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था, जिले की संख्या थी, विषय जिसका प्रधान विषय पति होता था, विषय के अंतर्गत कई पाठक होते थे। आगे पॉइंट है कि ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम जो थी वो शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ठीक है, सबसे छोटी इकाई का नाम क्या था? ये था आपका ग्राम। देखिए, आगे जो पॉइंट है वो है आपका पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहते थे। हम कहते ना, वह पुलिस वाला बंदा है, उसकी तो पुलिस में जॉब लग गई, वो तो पुलिस बन गया, लेकिन पहले के टाइम पे पुलिस कर्मियों को कहते थे चाट या भाट। आगे बात करते हैं, देखिए लास्ट पॉइंट जो मैं आ रहा हूँ, हर्ष के समय में मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्ष के समय में मथुरा किस व्यवसाय के लिए फेमस था? तो आप याद रखना, सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए। और आगे मैं बात करता हूँ आपसे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। देखिए, पल्लव वंश काफी अच्छा इंपॉर्टेंट वंश है ये, और इसको भी आप बड़े ध्यान से, केवल वही पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, पूरी लाइन आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, लेकिन मैं उस फैक्ट के बारे में बात करूंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देखिए, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सबसे पहले हमको पता होना चाहिए संस्थापक के बारे में, संस्थापक का नाम क्या है। तो उसका नाम था सिंह विष्णु, और इसने कब से कब तक राज करा? 575 से लेकर 600 ईस्वी तक इसने पूरा अपना स्थापना बनाई रखी। और इसकी जो कैपिटल थी, राजधानी थी, ये आपसे एग्जाम में पूछता है, इसका नाम है कांची। तो तमिलनाडु में कांचीपुरम थी, वहां पर इसकी क्या थी, ये कैपिटल थी, और ये इसका संस्थापक था पल्लव वंश का।
वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। देखिए, पहले के जितने भी शासक हुआ करते थे वो किसी न किसी धर्म के साथ जुड़े हुआ करते थे, ठीक है। तो वहाँ पे आपसे एग्जाम में धर्म के बारे में भी एग्जाम में पूछ लेता, तो इसलिए मैं अपने मैक्सिमम जो मुझे लगता है कि ठीक है इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकता है, तो वहाँ पे मैं धर्म को भी, अनुयायी जो भी होते थे वो किस धर्म को मानते थे, वो मैं हमेशा वीडियो में ऐड करता हूँ। रीजन यही होता है कि देखिए पहले के हमें पता है संस्थापक कौन थे, कैपिटल क्या थी, हम कभी कभी छोटी मोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते और वही हमसे एग्जाम में पूछ लेती है। फिर हमको लगता है कि यार उस बुक में से कुछ नहीं आया, लूसेंट बुक घटिया है, बिल्कुल बकवास है, लेकिन नहीं, ये बुक काफी अच्छी बुक है। आगे बात करते हैं, देखिए किरातार्जुनीयम के लेखक कौन थे, ये थे भारवी, और सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक कौन कौन थे, उनका उनका जो कालक्रम था, उनका शासन काल जो क्रम था वो था, सबसे पहले आए थे महेंद्र वर्मन प्रथम, फिर नरसिंह वर्मन प्रथम, फिर आए थे महेंद्र, फिर आए थे परमेश्वर, फिर आए थे आपका नरसिंह वर्मन सेकंड, फिर आए थे आपके नंदी वर्मन सेकंड। देखिए पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु, लेकिन इसके अंतिम शासक कौन थे, ये थे अपराजित, 879 से 897 ईस्वी में। मत विलास प्रहसन की रचना जो करी थी वो करी थी महेंद्र वर्मन ने, और महाबलीपुरम के एकास्म मंदिर जिन्हें रथ कहा जाता था का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। अलंकरण मतलब कोई किसी प्रकार का कोई आभूषण वगैरह नहीं मिलता है, कोई अच्छी नक्काशी नहीं मिलती है। तो आप याद रखिएगा, महाबलीपुरम के एकास्म मंदिर जिन्हें रथ कहा जाता है उसका निर्माण किसने कराया था, उसका निर्माण जो कराया था वो जो शासक था उसका नाम था नरसिंह वर्मन, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, देखिए पॉइंट की ओर, की वात्पिकोड की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। आगे है कि अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक कौन था, उसका नाम क्या था, ठीक है। अरबों का जब आक्रमण हुआ था उस समय जो पल्लवों का जो शासक था उसका नाम क्या है, तो उसका नाम आप याद रखिएगा, उसका नाम है नरसिंह वर्मन सेकंड। उसने राज सिंह मतलब राजाओं में सिंह, आगम प्रिय मतलब शास्त्रों का प्रेमी, और संकर भुक्त मतलब संकर का भक्त की उपाधि धारण करी थी। देखिए इसने तीन उपाधि करी थी धारण, एक तो करी थी इसने राज सिंह की, आगम प्रिय की, और संकर भक्त की उपाधि किसने धारण करी थी, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम जो था वो है आपका नरसिंह वर्मन सेकंड। आगे देखिए जो पॉइंट है वो है कि इसने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, जो हाईलाइट कर रखा है कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था आपसे पूछेगा, तो आप याद रखिएगा नरसिंह वर्मन सेकंड, और कैलाश मंदिर कहाँ पर है, ये है कांची में। देखिए जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, आपसे कैलाश मंदिर का निर्माण पूछे, या फिर आपसे पूछे वो यहाँ पर क्या, या फिर आपसे पूछे राज सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो आपको दोनों चीजें ही याद रखनी है, ठीक है। देखिए अब आगे हम बात करते हैं, देखिए कि 10 कुमार चरित के लेखक कौन थे, उनका नाम था दंडी, नरसिंह वर्मन के दरबार में रहते थे। देखिए यहाँ तक तो पूरा हो गया, आगे हम बात करते हैं, देखिए प्रसिद्ध वैष्णव संत जिनका नाम है क्या, तिरुमडई अलवार नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग 752 ईस्वी था, इसकी राजधानी मणिकीर या मान्यखेत थी। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे कौन कौन, कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण सेकंड, इंद्र थर्ड और कृष्ण थर्ड, ये तो थे इनके शासक, ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के। आपसे शासक का नाम कुछ नहीं पूछेगा, आपसे बस केवल ये पूछेगा कि एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था। अगर आपसे पूछेगा कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो आप याद रखिएगा कृष्ण प्रथम ने, ठीक है। देखिए यहाँ पर है आपका कैलाश मंदिर का निर्माण, और वो था आपका कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण, दोनों में फर्क है, तो दोनों में तो सबसे पहले वो कंफ्यूज होना नहीं। आप बोलोगे अभी तो यार कैलाश नाथ, ये नाथ है, ये केवल कैलाश मंदिर है, दोनों में डिफरेंस है भाई, इसको आप मर्ज मत कर देना गलती से भी, एग्जाम में आपको कैलाश नाथ मंदिर भी देगा, ठीक है, पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो देखिए मैक्सिमम जो प्रायोरिटी होती है वो केवल इस क्वेश्चन की पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है, तो आप इस क्वेश्चन को याद करिए, और आप कंफ्यूज मत होना, गलती से आपसे ये पूछ लिया और आप उसका राइट आंसर आ गया कृष्ण प्रथम, तो ऐसी गलती मत करना। आगे है कि ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है, ध्रुव को अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम है धारावर्ष। आगे हम बात करते हैं, देखिए पल्लव पांडे केरल एवं गंग
शासकों के संघ को गोविंद थर्ड ने नष्ट किया था। देखिए, पल्लव पांडे केरल एवं गंग शासकों के जो संघ थे उसको नष्ट किसने करा था? वो करा था गोविंद थर्ड ने, और अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। देखिए, लुसेंट बुक अगर आप पढ़ते हैं ना तो वहां पे आपको मैक्सिमम अनुयायी मिलता है, क्योंकि क्या करते हैं बच्चे, अनुयायी मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको इस पे फोकस कर रहा हूँ, ज्यादा ज्यादा फोर्स भी कर रहा हूँ कि आप इसको नोट करिएगा और याद करिएगा अनुयायी कौन कौन था। ठीक है, अब देखिए इसने कन्नड़ में क्या करा था, कवि राजमार्ग की रचना करी थी। कवि राजमार्ग की रचना किसने करी थी, उसका नाम क्या था? उसका नाम था अमोघ वर्ष। क्या नाम था उसका? उसका नाम था आपका अमोघ वर्ष। आदि पुराण के रचनाकार जिन सेन, गणिता सागर संग्रह या गणिता सार संग्रह के लेखक, महावीराचार्य एवं अमोघ वृत्ति के लेखक सत्यान अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। आगे जो अगला पॉइंट है वो है, देखिए अगला जो पॉइंट है वो है कि अमोघ वर्ष ने तुग भद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत करा था। मतलब वो जल में उसने पूरी समाधि ले ली थी अपनी, जल में वो डूब गया था, इस तरह से उसने अपना अंत करा था। तो काफी अच्छा क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे ये है काफी सैड न्यूज, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन ये है कि अमोघ वर्ष ने अपने अंतिम पल कहाँ पर बिताए, आपसे एग्जाम में ये पूछता है, या फिर उसने समाधि कौन सी ली थी, आपको मौन समाधि या इस टाइप की समाधि देगा, लेकिन आपको याद रखेगा जल समाधि के द्वारा इसने अपनी अंत करा था, स्वयं अपना अंत करा था इसने, इसको किसी ने मारा नहीं था, इसकी हत्या किसने कुछ नहीं करी थी, ये युद्ध में नहीं मारा गया था, इसने अपनी स्वेच्छा से जल में समाधि धारण करी थी अमोघ वर्ष में। और कौन सी नदी के तट पर, वो आप सामने देख रहे हैं, तुंगभद्रा नदी के तट पर। देखिए इस तरह के भी काफी लोग पहले समाधि लेते थे, इसके लिए बड़ी हिम्मत का काम चाहिए। ठीक है, तो आप बस केवल हिम्मत मत छोड़िए, आप ये याद मत करना हिम्मत का काम चाहिए, वो तो पता ही है क्या हालत होती है, बाकी स्विमर है सो बात अलग है। देखिए अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया था। देखिए इंद्र थर्ड के शासनकाल में अरब निवासी अलम सूदी भारत आया था। इसने तत्कालीन राजकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा, और राजकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण थर्ड था। याद रखिएगा कृष्ण थर्ड था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना करी। आगे बात करते हैं, देखिए कल्याणी के चालुक्य तैलप सेकंड ने 973 ईस्वी में कर्क को हरा कर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया, और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। चालुक्य वंश की नींव किसने डाली, इसका राइट आंसर क्या है वो आप सामने देख रहे हैं। अब मैं बढ़ता हूँ आगे, एलोरा एवं एलिफेंटा जो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। गुहा मंदिरों का निर्माण किसने कराया था, एलोरा या एलिफेंटा मंदिरों का निर्माण किसने कराया था, या फिर गुहा मंदिर का निर्माण किसने कराया था, और ये कहाँ पर है, ये है महाराष्ट्र में, और इसका निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। आप याद रखिएगा इसका निर्माण किसने कराया था, राष्ट्रकूटों ने। आगे बात करते हैं कि एलोरा में जो शैलकृत जो गुफाएं हैं उनकी कुल संख्या कितनी है, उनकी है 34, और इसमें 1 से 12 तक जो थे उसमें जो रचना करी गई है, जो उसमें नक्काशी करी गई है, वो ये दिखाती है कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, और 13 से 29 तक हिंदुओं में एवं 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। आगे हम बात करते हैं, देखिए राष्ट्रकूट शैव वैष्णव शाक्त संप्रदाय के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। ये जो थे ये शाक्त संप्रदाय के तो थे, साथ में ये जैन धर्म के भी उपासक थे। अगला जो पॉइंट है वो है आपका, राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। किसने कहा कि मुसलमान व्यापारी यहाँ पर आकर बस सकते हैं और अपना व्यापार कर सकते हैं, और साथ में अपने मुस्लिम मतलब इस्लाम का प्रचार भी धड़ल्ले से कर सकते हैं, इसकी स्वीकृति किसने दी थी? तो ये स्वीकृति दी थी आपकी राष्ट्रकूटों ने, या आप नाम याद रखना, और ये भी काफी अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं चाहता हूँ कि आप इसको नोट ना करें, अच्छा पॉइंट है लेकिन नोट मत करिए, वीडियो को पॉज करिए और याद करिए। कुछ चीजें होती हैं कि कल पे नहीं छोड़ी जाती, ठीक है, कुछ चीजें होती हैं कि आप कल पे नहीं छोड़ सकते, उसको तुरंत आपको याद करना ही करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी जा रही है, आप काफी ईमानदारी के साथ तैयारी कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं वो तो आप जाने, या फिर वक्त जाने, या फिर ऊपर वाला जाने। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, देखिए कि चालुक्य वंश जो है, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने करी थी, ये करी थी तैलप सेकंड ने करी थी, और इसकी कैपिटल जो थी, इसकी कैपिटल थी आपकी मान्यखेट। क्या थी? माननीय खेट। आगे हम बात करते हैं, देखिए चालुक्य वंश के प्रमुख शासक हुआ करते थे, ये सब शासकों के नाम है, ठीक है, शासकों की सीरीज आपसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा केवल सिंपल कि उनकी राजधानी क्या थी और इसकी स्थापना किसने करी थी।
अगला जो पॉइंट है कि इस वंश का सबसे प्रतापी शासक आखिरकार कौन था। देखिए कोई भी अगर काल होता है तो उसमें क्या होता है कि अगर शासक का एक क्रम चल रहा है तो उसमें कोई ना कोई एक ऐसा राजा होता है कि जिसकी छवि काफी विख्यात होती है, वो काफी फेमस होता है वहां पर। यार ठीक है वो राजा था उस टाइम पे बड़ा सही था, ठीक है। मुगलों के भी बहुत सारे राजा आए बहुत सारे गए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि किसने मैक्सिमम कार्य करा, जिसका कार्यकाल काफी सुखमय रहा, किसने विकास करा। तो हमको केवल उस उसकी पॉइंट हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने होते हैं। देखिए इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था आपका विक्रमादित्य फोर्थ। अगला जो पॉइंट है आपका विल्हण एवं विज्ञानेश्वर। विक्रमादित्य फोर्थ के दरबार में ही रहते थे। देखिए ये दोनों जो पर्सनैलिटी हैं, दोनों जो नाम है काफी फेमस नाम है, और इसको याद करिए। और आपसे एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछता है कि ये किसके दरबार में रहते थे, ठीक है ना। ये रहते थे विक्रमादित्य फोर्थ के दरबार में। अगला जो पॉइंट है देखिए मिताश्रा। मिताश्रा जो था वो था इस ग्रंथ की रचना महान विभावता विज्ञानेश्वर ने की थी। अगला जो आपका पॉइंट है विक्रमांक देवचरित की रचना विल्हण ने करी थी। इसमें विक्रमादित्य फोर्थ के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। चालुक्य वंश, मतलब अब हम बात कर रहे हैं चालुक्य वंश के बारे में। अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए चालुक्य वंश जो था इसको हम बोलते हैं वातपी। तो इसकी स्थापना किसने करी थी, जयसिंह ने वातपी के चालुक्य वंश की स्थापना करी थी। किसने करी थी, ये करी थी जयसिंह ने। सबसे पहले हमको संस्थापक पता होना चाहिए और पता होनी चाहिए उसकी राजधानी क्या है, अगर हम तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, ठीक है। इस वंश का प्रमुख शासक कौन कौन थे, शासकों के नाम दिए गए हैं, आप इसको पढ़ लें। और नोट प्लीज ना करें तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को यूपीएससी के माइंड से देख रहे हैं, तो मैं आपको बोलूंगा आप इसको याद करिए। अगर आप स्टेट पीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको याद करिए। सभी राजा के जो भी क्रम है वो आप लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। लेकिन एसएससी वालों के लिए इतना इम्पोर्टेंट ये पॉइंट नहीं है, केवल आपको याद रखना है कि चालुक्य वंश या वातपी वंश के संस्थापक कौन थे, उसकी स्थापना किसने करी थी, उसके कैपिटल क्या थे। आगे हम बात करते हैं, देखिए जिनेंद्र का मेघुतु मंदिर पुलकेशिन सेकेंड ने बनाया था, ठीक है। ये मंदिर का नाम है और ये किसने बनाया था, ये बनाया था आपका पुलकेशिन सेकेंड ने। पुलकेशिन सेकेंड ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण करी थी। इसने दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि धारण करी थी। दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि किसने धारण करी थी, तो ये आप याद रखिए इनका नाम। पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण करी थी। हर्षवर्धन को इसने हराया था पुलकेशिन ने, और पुलकेशिन ने क्या करा, दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि धारण करी थी। आगे बात करते हैं कि हम पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन सेकंड को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन सेकंड मारा गया था, और इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापिकोड़ की उपाधि धारण करी थी। वातापिकोड़ की उपाधि धारण करी थी किसने करी थी, या फिर आपसे मतलब ये आप ध्यान रखना कि किसने इसकी उपाधि धारण करी थी, उसका नाम क्या है। आगे मैं चलता हूँ अगले पॉइंट से। अजंता में एक गुफा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन सेकंड को दिखाया गया है। किसकी गुफा में या कौन सी गुफा में ये सब कार्य करते हुए दिखाया गया है, आपसे पूछेगा एग्जाम में, तो आप याद रखिएगा। अजंता की एक गुफा में एक चित्र, उसमें दिखाया गया है फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन सेकंड को दिखाया गया है। आगे बात की वातापी का निर्माणकर्ता कौन था, ये था कीर्ति वर्मन। और मालवा को जीतने के बाद विनादित्य ने शक्लोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण करी थी। अगला जो पॉइंट है विक्रमादित्य सेकंड के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य का भतीजा जो था पुलकेशी ने करा था, और इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य सेकंड ने इसे अवनिजानाश आश्रय की उपाधि प्रदान करी थी। आगे बात करता हूँ कि मैं इस वंश का अंतिम राजा कौन था, अंतिम राजा की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, वह है आपका कीर्ति वर्मन द्वितीय, ठीक है। याद रखिएगा कौन था, कीर्ति वर्मन द्वितीय। इसके सामंत दंती दुर्ग ने परास्त किया था और एक नए वंश की स्थापना करी थी। आगे हम बात करते हैं चालुक्य वंश की स्थापना, ठीक है। चालुक्य वंश को बोलते हैं बेगी। बेगी एक्चुअली इसकी कैपिटल थी, ठीक है, राजधानी थी। जो भी आपको देखा हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है, इसमें ब्रैकेट में लिखा था आपका वातपी, तो वातपी इसकी कैपिटल थी चालुक्य वंश की। लेकिन बात करना है चालुक्य वंश, अब बेगी इसका करते हैं। बेगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णु वर्धन था। अब इसकी कैपिटल चेंज हो गई, वो हो गई बेगी, ठीक है। इस वंश के प्रमुख शासक थे जयसिंह प्रथम और इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय और जयसिंह द्वितीय एवं विष्णुवर्धन थर्ड।
इतना नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था। इसका जो प्रतापी राजा था वो था आपका विजयादित्य तृतीय, जिसका सेनापति कौन था, पडरंग। अब हम बात करते हैं चोल वंश, ठीक है। काफी अच्छा पॉइंट स्टार्ट हो गया है। अब ये स्टार्ट हो गया आपका चोल वंश। अब हम केवल और केवल चोल वंश के बारे में बात करेंगे। देखिए, 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वस्त अवशेषों पर स्थापित हुआ। और इस वंश के संस्थापक कौन थे, इसके वंश के संस्थापक थे आपका विजयालय, और इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी थी तांजिया। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित करा था। किसने करा था, आदित्य प्रथम ने। आगे बात करते हैं, पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने को दंड राम की उपाधि धारण करी थी। और चोल वंश का प्रमुख राजा थे प्रांतक फर्स्ट, राजराज फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, राजेंद्र सेकंड एवं कुलोत्तुंग, ठीक है। बाकी देखिए, इसमें यहाँ से ऊपर से नीचे तक कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। हाँ, ये रहेगा आपका कि राजराज फर्स्ट शैव धर्म का अनुयायी था। अनुयायी कौन किसका था, मैं ये नहीं छोड़ूंगा कभी भी वीडियो में, जहां मुझे मिलेगा मैं इसको हाईलाइट करूंगा। अगर आपको ये पसंद नहीं किया, धर्म का अनुयायी यार मुझे पढ़ना नहीं है, तो देखिए आपकी पसंद नापसंद से कुछ नहीं होगा। एसएससी डिपार्टमेंट आपसे आपको कॉल करके एक दिन एग्जाम से पहले नहीं पूछेगा, सर कौन सा पेपर सेट करना है, तो आप इसका याद रखिएगा, आपको ये पढ़ना है, पढ़ना पड़ेगा। आपको क्या अच्छा लगता है इससे मतलब नहीं है, मतलब आपको इससे है कि एसएससी का क्या सिलेबस है और एसएससी को क्या चीज पसंद है, आपको उससे फर्क होना चाहिए। सिलेक्शन तक, सिलेक्शन के बाद फिर आप जो करें सब सही है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आगे बात करते हैं कि चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो करा था वो करा था राजेंद्र फर्स्ट ने, और इसके शासनकाल में इसका विस्तार सबसे ज्यादा हुआ था चोल साम्राज्य का। और बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद में राजेंद्र फर्स्ट ने क्या करा था, कौन सी उपाधि, गंगोट चोल, ठीक है ना, गंगे कोट चोल की उपाधि इसने धारण करी थी। आगे हम बात करते हैं, देखिए, और इसकी न्यू कैपिटल बनाई थी, कैपिटल का नाम भी बिल्कुल सेम था, और ये निकट है आपका चोल गंगम नामक विशाल तालाब का इसने निर्माण कराया था। चोल गंगम जो नामक जो विशाल तालाब है उसका निर्माण किसने कराया था, आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है। अगला जो पॉइंट है वो है गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। अभी फिलहाल मैं आपसे बात करता हूँ कुछ कर के बारे में, मतलब इसके काल में कुछ भूमि के प्रकार थे चोल काल में। जैसे पहला जो काल था वो था आपका बेलन बगाई, मतलब गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की जो भूमि होती थी उसको किस नाम से पुकारते थे या किस नाम से पुकारा जाता था, आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है यहाँ पर, तो उसका नाम था आपका बेलन बगाई। और अगला जो पॉइंट है आपका वह है ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव मतलब ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को किस नाम से जाना जाता था, तो उसका नाम था ब्रह्मदेव। अगला जो है आपका किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि क्या कहलाती थी, साला भोग। अगला जो है आपका पॉइंट, केवल ये पॉइंट आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगला जो पॉइंट है वो है आपका जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि को क्या बोलते हैं, तो वो है आपका पल्लीचम। क्या है आपका वो राइट आंसर, पल्लीचम। आगे हम बात करते हैं, देखिए संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में डिवाइड था, कितने प्रांतों में डिवाइड था, ये था आपका 6 प्रांतों में। और प्रांत को हम किस नाम से पुकारते थे, प्रांत को हम पुकारते थे मंडलम के नाम से, किस नाम से, मंडलम के नाम से। आगे जो पॉइंट है आपका, नाडु की स्थानीय सभा को नाटूर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था, नगर को नगरतार और नाडु की स्थानीय सभा को नाटूर बोलते थे। देखिए अगला जो पॉइंट है वो है आपका कि सभा या महासभा, यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मणों को पेरू मक्कल कहा जाता था, और यह सभा वर्यम नाम संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को किस नाम से पुकारते थे, व्यापारियों की जो सभा होती थी उसको बोलते हैं नगरम। चोल काल में भूमि कर उपज का एक तिहाई भाग हुआ करता था, और गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतन भोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहते थे। और ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी गई भूमि ब्रह्मदेय कहलाती थी। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था क्या, पदाति सेना। और चोल वंश में कासू सोने के सिक्के होते थे। तमिल कवियों में जय नगोदर प्रसिद्ध कवि था जो कोलू तुंग प्रथम का राजकवि था, उसकी रचना थी कलिंग तुपाणी, ठीक है। ये आपसे रचना भी पूछ सकता है, और रचना क्या थी, रचना का नाम था कलिंग तुपाणी। बाकी और कोई खास इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें नहीं है, बस केवल एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और यहाँ बनता है कि आपका शैव संत पंडित राजेंद्र फर्स्ट के गुरु थे। वो
बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा गया, बट ये एमडीएस में एक दो बार पूछा गया, तो इसलिए आप इसको भी नोट कर सकते हैं। राजेंद्र फर्स्ट जो थे क्या थे? गुरु थे। आगे हम बात करते हैं अगले पॉइंट के कि चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार क्या थी? कालक्रम के अनुसार पहली कैपिटल क्या थी, सेकंड क्या थी, थर्ड क्या थी? तो कैपिटल इतना इम्पोर्टेंट अभी फिलहाल नहीं है आपके लिए, लेकिन यूपीएससी के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। वीडियो को पॉज करिए, लिखिए और याद करिए। अगला जो पॉइंट है आपका, चोल काल में सड़कों की देखभाल कौन सी समिति करती थी? उस समिति का नाम क्या था? उस समिति का नाम था बगान समिति। देखिए बगान समिति हमको लगता है कि जैसे कि खेत वेत के बारे में या फिर बगान या फिर पार्क के बारे में कोई समिति होगी, लेकिन ऐसा नहीं था, ये थी आपकी सड़क के बारे में। किस काल में? चोल के काल में। अगला जो पॉइंट है आपका, चोल काल में आम बस्तियों के आदान प्रदान का आधार धान था। और अगला जो पॉइंट है, विष्णु के उपासक अलवार एवं, देखिए विष्णु को जो पूजते थे उनको जो मानते थे विष्णु भगवान को, वो कहलाते थे अलवार, और जो शिव के उपासक थे उनको बोलते थे नयनार संत। ठीक है, दोनों संत किस किस के भक्त थे? अलवार जो थे वो थे विष्णु के, और जो आपके शिव के जो उपासक थे वो कहलाते थे नयनार संत। अगला जो पॉइंट है वो है आपका यादव वंश। देखिए देवगिरी के यादव वंश की स्थापना बिल्लभ पंचम ने की थी, और इसकी कैपिटल थी देवगिरी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा जो था वो था सिंघण, और इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया। अगला जो पॉइंट है वो आपका होयसल वंश। द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना किसने करी थी? तो ये स्थापना करी थी विष्णुवर्धन ने, और होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा थी। यादव वंश की शाखा इतने बड़े नहीं है, बात यह कि स्थापना किसने करी थी? ये करी थी आपकी विष्णुवर्धन ने, और बेलूर में चेना केशव मंदिर जो था उसका निर्माण कराया था आपका विष्णुवर्धन ने। कब कराया था? 1117 ईस्वी में। अगला जो पॉइंट है वो है आपका होयसेल वंश की राजधानी जो थी वो थी आपके द्वार समुद्र। क्या थी राजधानी? वो थी आपके द्वार समुद्र। अब हम बात करते हैं कदंब वंश की स्थापना। ठीक है, कदंब वंश की स्थापना करी थी मयूर शर्मन ने, और इसकी राजधानी थी वनवासी। स्थापना के बारे में बात करी जाए तो मयूर शर्मन ने इसकी स्थापना करी थी, और बात करी जाए कि कैपिटल क्या थी? कैपिटल थी वनवासी। अब आते हैं बात गंगवंश। गंगवंश के संस्थापक थे आपका ब्रज हस्त पंचम, और इसकी राजधानी थी कुबलाल, और गंग शासक माधव प्रथम था, मतलब दंतक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक जो था वो था माधव प्रथम। जो जो हाईलाइट है केवल उतना उतना आपको लिखना है अपने अपने नोट्स में। आगे बात करते हैं, देखिए काकतीय वंश, संस्थापक बीटा प्रथम, राजधानी अमंकोट, और जो था इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था वो था गणपति। और आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। मैथ आपका वीक है, मैथ में थोड़ा टाइम दो, अपना जो भी सब्जेक्ट आपका वीक हो उस पर ध्यान दो फिलहाल। ठीक है, बस केवल उतना पढ़ेंगे जितना जरूरी होगा, फालतू हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, नॉलेज के लिए पढ़ना है, यूपीएससी की तैयारी करें तो सारा पढ़िए, कोई टेंशन नहीं। आगे मैं बात करता हूँ आपसे कि सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। ठीक है, सीमावर्ती राजवंशों के बारे में हम बात करेंगे कि पाल वंश, पाल वंश की राजधानी थी मुंगेर, और इसका संस्थापक जो था, संस्थापक था आपका गोपाल। संस्थापक कौन था इसका? गोपाल। और राजधानी जो थी, राजधानी थी आपकी मुंगेर। आगे हम बात करते हैं कि गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किसका था? बौद्ध धर्म का अनुयायी। और मैंने आपसे अभी कहा था कि मैं इसको हाईलाइट पक्का करूंगा, तो आप याद रखिएगा बौद्ध धर्म का अनुयायी कौन था? गोपाल। आगे की, इसने औदन्तपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी, और पाल वंश के प्रमुख शासक कौन थे? उसका कर्मकाल क्या था? उसका मतलब कि नाम का सही जो नाम का जो क्रम था वो क्या था? पहले धर्मपाल आया, फिर देवपाल आया, फिर नारायणपाल आया, फिर महिपाल आया, फिर नैनाल आया, आदि राज का काफी सारे आते रहे। देखिए पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? महान शासक पाल वंश के बारे में बात कर रहा है तो वो कौन था? वो था आपका धर्मपाल। कौन था? धर्मपाल, जिसने क्या करा? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। देखिए यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? उस शासक का नाम बताइए। उस शासक का जो नाम था वो था आपका धर्मपाल। आगे बात करते हैं, 11वीं सदी के गुजराती कवि सोडल ने धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की उपाधि से संबोधित किया था। ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बोध मठ का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था आपका देवपाल ने। आप याद रखिएगा ये किसने कराया था? ये कराया था देवपाल ने। अगला जो पॉइंट है कि जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बोध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान दिए थे।
और पाल शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। पाल शासक जो था वो किस धर्म का अनुयायी था, वो भी था आपका बौद्ध धर्म का। एक्चुअली जितने भी पाल रहे वो सभी क्या थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, चाहे वो देवपाल हो, धर्मपाल हो, नारायणपाल हो, महिपाल हो या फिर नयपाल क्यों ना हो। अगला जो पॉइंट है वो है आपका सेन वंश। सेन वंश की जो स्थापना करी थी वो करी थी सामंत सेन ने। आगे हम पॉइंट पढ़ते हैं कि लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक, ठीक है, गीत गोविंद के लेखक कौन कौन थे, वो थे लेखक आपका जयदेव और पवन। दूप के लेखक जो थे वो कौन थे, वो थे धोई, ठीक है। दोनों का याद रखना आप लोग कि गीत गोविंद के लेखक कौन थे और पवन दूत के लेखक कौन थे। और इसी के साथ आपको याद रखना है अगला, वो है आपका ब्राह्मण सर्वेश्व के लेखक कौन थे, ये थे हलायुद्ध, इनका नाम था हलायुद्ध, तो आप ये याद रखेगा। अगला जो क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ पे ये बनेगा, हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। हलायुद्ध जो था, जो नाम था, जो ये पर्सन था, जो पर्सनैलिटी थी, वो लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रदुमिनेश्वर मंदिर की स्थापना करी थी, जिसको बोलते हैं शिव का विशाल मंदिर। आपसे एग्जाम में देखो क्या पूछेगा, आपसे एग्जाम में सामने जो पूछेगा क्वेश्चन वो ये पूछेगा कि शिव की विशाल मंदिर का निर्माण किसने कराया, या उसकी स्थापना किसने करी, या किसने बनवाया। तो तीनों में से कोई भी एक वर्ड आपको दे सकता है, तो कोई याद रखना है उसका नाम। विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रदुमनेश्वर मंदिर मतलब शिव की विशाल मंदिर का निर्माण कराया। अगला जो पॉइंट बनेगा आपका कि लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था और उसका नाम क्या था, उसका नाम था आपका लक्ष्मण सेन। तो बस ये आप याद रखिएगा। देखिए आगे हम बात करते हैं आपसे कश्मीर के राजवंश के बारे में। देखिए कश्मीर का इतिहास आपने शायद पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन कश्मीर के बारे में भी काफी इम्पोर्टेंट काफी राजवंश थे, क्योंकि कश्मीर जो था वो भारत का स्वर्ग था। आज भी कहते हैं स्वर्ग है, लेकिन आज की कंडीशंस क्या है वो आप सभी जानते हैं। करंट अफेयर्स के आप लोग न्यूज़ वगैरह देखते होंगे डेली के, कश्मीर के क्या हालात हो चुके हैं, क्या उसकी हालत थी और आज उसके क्या हालात हो चुके हैं। तो ठीक है, उसके टाइम पे कैसे कैसे शासन काल रहे हैं, कैसे कैसे वंश आए, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। देखिए कश्मीर पर शासन करने वाले शासक वंश का कालक्रम कुछ इस प्रकार था। पहले आया था कारकोट वंश, ठीक है, फिर आया उत्पल वंश, फिर आया आपका लाहौर वंश। देखिए 627 ईस्वी में दुर्लभवर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश मतलब हिंदू वंश की स्थापना करी थी। हिंदू वंश की स्थापना कश्मीर में किसने करी थी, उसका नाम क्या था, उसका नाम था दुर्लभवर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर के कारकोट वंश मतलब हिंदू वंश बोलते थे, इसकी स्थापना करी थी। आगे जो पॉइंट है, देखिए अगला जो पॉइंट है वो कि हेनसांग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा करी थी। हेनसांग ने किसके शासनकाल में कश्मीर में यात्रा करी थी, पहला कदम रखा था कश्मीर में और कश्मीर को काफी करीब से जाना था। तो आपसे एग्जाम में ये पूछेगा तो आप याद रखिएगा, ये जो करा था हेनसांग ने किसके शासनकाल में, ये मतलब दुर्लभवर्धन के इसके शासनकाल में हेनसांग ने कश्मीर की यात्रा करी थी। दुर्लभ वर्धन काफी अच्छा नाम है। देखिए दुर्लभ मतलब टिपिकल, काफी मतलब रिस्की, काफी टफ वर्क जो होता है उसको हम बोलते हैं दुर्लभ। तो दुर्लभ वर्धन एक व्यक्ति का नाम था जिसने क्या कहा था कि कश्मीर की यात्रा करने के लिए हेनसांग को इनविटेशन भेजा था। अगला जो पॉइंट है वो है कि कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, वो था ललितादित्य मुक्तापिंड। और कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने कराया था, एक मार्तंड मंदिर है कश्मीर में जो पड़ता है, उसका निर्माण जो कराया था वो कराया था ललितादित्य मुक्तापिंड ने। अगला जो पॉइंट है, कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश के शासन हुआ, ठीक है, उत्पल वंश का शासन हुआ। जैसे कि मैंने बताया कारकोट वंश फिर उत्पल वंश। देखिए कारकोट वंश हमने यहाँ देखा था ऊपर टॉप में पहली बार फर्स्ट, ठीक है, उसके बाद में किसका, उत्पल वंश। देखिए उत्पल वंश के बारे में मैं बता दूँ, कारकोट वंश के बाद में कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ था। इस वंश का संस्थापक कौन था, वो था अवंती वर्मन, और अवंतीपुर एक नामक नगर है उसकी स्थापना करी थी अवंती वर्मन ने, अपने ही नाम पर इसने उसके स्थान की स्थापना करी थी। अगला जो पॉइंट है वो है आपका, अवंती वर्मन के अभियंता सुहे ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया। और 980 जो ये ईस्वी था उसमें उत्पल वंश की रानी दीहा एक महत्वाकांक्षी शासिका थी। देखिए उसके बाद कौन आया था, उसके बाद आया था आपका लाहौर वंश या फिर लोहार वंश, ठीक है। बस तीनों वंशों के नाम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो बस केवल हम लोग रीड कर रहे हैं, वो हमने पढ़ लिए। अब लोहार वंश का संस्थापक कौन था, ये था संग्राम राज। और कल्हण जो था हर्ष का आश्रित कवि था,
हर्ष का आश्रित कवि कौन था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था कलहण। कलहण जो था हर्ष का आश्रित कवि था। अगला जो पॉइंट है वो है आपका जयसिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था। लोहार वंश का अंतिम शासक कौन था, ये था आपका जयसिंह, और जिसने 1128 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक शासन किया। और जयसिंह के शासन के साथ ही कलहण की राजत रंगिणी का विवरण समाप्त हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर आपसे केवल एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि राजत रंगिणी का विवरण किसके साथ समाप्त हो जाता है। कलहण ने राजत रंगिणी का विवरण दिया था और वो इसके शासनकाल में, मतलब जयसिंह के शासन के साथ में ही ये खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अगला जो पॉइंट है वो है कामरूप का वर्मन वंश। देखिए 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप में वर्मन वंश का उदय हुआ था, और इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक जो था वो था पुष्य वर्मन था, और इसकी कैपिटल क्या थी, और इसकी कैपिटल थी प्राग ज्योतिष। अगला जो पॉइंट है वो है आपका केवल और केवल कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया था, और इसके अलावा कुछ नहीं है। बस आपसे ये पूछेगा कि पुष्य वर्मन कौन था, ये था आपका इस वंश का प्रतिष्ठा का संस्थापक। किस वंश की बात कर रहा हूं मैं, वर्मन वंश का संस्थापक, या फिर कामरूप का वर्मन जो संस्थापक था वंश, उसका संस्थापक कौन था, तो ये था आपका पुष्य वर्मन, और इसकी कैपिटल थी प्राग ज्योतिष। आप ये कैपिटल याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। अगला जो पॉइंट बनेगा आपका देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश। मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम था, और इसका संस्थापक जो था, ठीक है, प्रतिहार वंश का संस्थापक था। अगला जो पॉइंट है वो है आपका कि प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा कौन था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था आपका मिहिर भोज। और मिहिर भोज की अपनी कैपिटल क्या थी, उसकी कैपिटल थी कन्नौज। और आगे बात करते हैं कि इस वंश का लास्ट जो राजा था वो कौन था, उसका नाम था यशपाल। और दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य करी थी। 11वीं सदी के मध्य जो हुई थी दिल्ली नगर की स्थापना हुई थी, और किसने करी थी, तैमूर नरेश या फिर तोमर नरेश अनंगपाल ने। अब बात करते हैं गढ़वाल के बारे में, गढ़वाल जिसको बोलते हैं राठौर राजवंश। राठौर राजवंश संस्थापक जो था वो था चंद्रदेव, याद रखिएगा संस्थापक कौन था, चंद्रदेव था, और कैपिटल थी आपकी वाराणसी मतलब काशी। और इस वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली राजा जो थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था गोविंद चंद। और इसका मंत्री कौन था, वो था लक्ष्मीधर। शास्त्रों का प्रकांड पंडित मतलब बहुत ही ज्यादा ज्ञानी पुरुष कौन था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था लक्ष्मीधर। अगला जो देखिए बात करते हैं हम लोग पृथ्वीराज थर्ड। पृथ्वीराज ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री सहयोगिता का अपहरण कर लिया था, मतलब स्वयंवर हुआ था उसमें मजीद नहीं पाया था, हार गया था, उसके बाद में गुस्से में आकर उसने क्या करा, इसकी पुत्री का अपहरण कर लिया। पुत्री का नाम क्या था, सहयोगिता, और जो स्वयंवर से जयचंद की ये पुत्री थी, डॉटर थी। और इस वंश का अंतिम शासक जो था वो था जयचंद, और जिसे गौरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में हराया था। ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक कौन था, जयचंद, और जयचंद को हराया था गौरी ने कब, 1194 में। अगला जो पॉइंट है देखिए अगला पॉइंट है आपका चहमान या चौहान वंश। चौहान वंश का संस्थापक था आपका वासुदेव, और कैपिटल थी इसकी अहिच्छत्र। और जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक जो था उसकी रचना करी थी। देखिए इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था उसका नाम था आणोराज के पुत्र वृगराज चतुर विसलदेव। ठीक है, और इन्होंने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना करी थी। अगला जो पॉइंट है तराइन का युद्ध। देखिए तराइन का युद्ध, मैं यहाँ पॉइंट की बात कर रहा हूँ, केवल लास्ट जो हाईलाइट कर रखा है, आपसे डायरेक्ट एग्जाम में यहाँ से ये पूछता है कि तराइन का जो पहला जो वॉर हुआ था वो हुआ था 1191 में, किस किसके मध्य हुआ था। आपसे पूछेगा तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, वर्ष में आप याद रखना 1191 में हुआ था, एक वर्ष के बाद ही दूसरा युद्ध हुआ था, मतलब एक वर्ष के बाद मतलब 1192 में। पहला जो वार हुआ था वो हुआ था पृथ्वीराज तृतीय की विजय एवं गौरी की हार हुई थी इसमें, मतलब पृथ्वीराज तृतीय और गौरी के बीच में वार हुआ था, गौरी की इसमें हार हुई थी। सेकंड जो वार हुआ था तराइन का वो हुआ था 1192 में, और जिसमें गौरी की विजय एवं पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई थी, मतलब अब जो था वो पासा पलट गया था। गौरी पहले युद्ध में हारा था, उसने अगेन हार नहीं मानी, युद्ध करा और दोबारा उसने पूरा पासा पलट दिया।
तो ये जो है दोनों ही युद्ध काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं कहूंगा आपसे आप इसको नोट करिएगा और याद करिएगा तुरंत। देखिए आज के इस वीडियो में बस केवल मैं इतना ही करता हूँ, ठीक है? क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा बढ़ती है, वीडियो का साइज बहुत ज़्यादा होता है, अपलोड करने में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि ये MP4 फाइल होती है। MP4 के साथ में हमारे पास कुछ गाइडलाइंस होती है कि आप इतनी बड़ी लेंथ की वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, बहुत सारी फॉर्मेलिटी होती है जो शायद मैं आपको अभी नहीं बता सकता, और ये आपका कोर्स से बाहर है या आपको कोर्स में नहीं आएगा, यूट्यूब वगैरह क्या क्या रूल्स होते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है? तो फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ और आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक इस वीडियो के अदर पार्ट्स, जो पहले के जो भी पार्ट है, पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 नहीं देखे हैं तो आप देखिए, ठीक है? अगर आपको लग रहा हो कि मैंने कुछ ज़्यादा बातें करी बियॉन्ड द मतलब स्टडी मैंने बात करी, तो ऐसा कुछ नहीं था, जो मुझे जरूर लगेगा मैं केवल वो आपको बताऊंगा। और अगर आपको केवल ऑडियो ऑडियो सुनना है कानों में, एक मतलब आपको अगर एक कंटिन्यू प्ले में अगर आपको बुक चाहिए, तो आप ऑडियो प्लेलिस्ट में जाइए जीके की, वहाँ पे आपको ढेर सारी ऑडियो कई घंटे लंबे तक आपको मिलेगी, घंटे तक आप उसे सुनते रहिए, जहाँ से बेस्ट लग रहा है वैसे करिए। बट मैं आपको बोलना चाहूंगा कि इस वीडियो को बच्चों प्लीज मैक्सिमम शेयर करिए, आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक शेयर करने में प्लीज कंजूसी मत करिए, क्योंकि देखिए क्या होता है कि एजुकेशन जो है वो जितना बांटोगे वो उतनी बढ़नी चाहिए, इस पर किसी की रोक नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, और अगर आप नहीं इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस यहाँ पे मिलेगा आपको ढेर सारे वीडियो। आप जाइए चेकलिस्ट करिए, मतलब लिस्ट को चेक करिए और इंजॉय करिए, उसके बाद डिसाइड करिए कि आपको करना क्या है, ठीक है? लेकिन सब्सक्राइब के बाद में मैं कहना चाहूंगा कि आपको उसके बगल में दिखाई देगा एक बेल आइकन, और उस बेल आइकन पे क्लिक कर अब जरूर करना। अगर आप क्लिक नहीं करते ना बेल आइकन पे, तो आपको नोटिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। तो मैं कहूंगा कि बेल आइकन पे क्लिक करिए, जरूर करिए बेल आइकन पे क्लिक सब्सक्राइब के बाद में। तो इसी के साथ देता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, और प्लीज रीड अगेन दिस कोट, इस कोटेशंस को, इस विचार को प्लीज दोबारा से रीड करें, और इस पर एक बार मंथन जरूर करें कि इसका सही अर्थ क्या है। धन्यवाद।